हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्रेट हार्ट्स ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। आई एम योर कंप्यूटर टीचर हिमानी मैसी एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट व्यूज प्रोवाइडेड बाय द पावर पॉइंट टू व्यू आवर स्लाइड शो। You can view your presentation in different formats such as normal view, slide sorter view and slideshow. Most of the view buttons are available in the presentation view group on the view tab. By default, a user always work on normal view. PowerPoint presentation हमें कई तरह के views provide करता है ताकि हम अपने requirement के according slides पे work कर सकें। इसमें से नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू आर वेरी कॉमन। जो स्लाइड व्यू होता है, जो अलग अलग व्यूज़ बटन होते हैं, वो बटन्स हमारे प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में अवेलेबल होते हैं जो कि व्यू टैब पे होता है। इस टूल को हम अलग अलग वेज में अपने स्लाइड्स को व्यू करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइड्स पे वर्क कर सकें। Let's study the first type of view, that is the normal view. It is the main editing view which is used to write and design the presentation. In the normal view, you can add text, graphics, sound, animation and the other effects to your slide, as well as you have a large view of an individual slides. Notepad at the bottom, an outline of the text, slide text and slides displayed as thumbnails all the same time. नाउ नॉर्मल व्यू सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज व्यू है। ये व्यू सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि यहाँ पे आप सारी एडिटिंग करते हैं, अपनी स्लाइड्स को प्रॉपर डिज़ाइन यहीं पे किया जाता है। इस व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन करते हैं, उस पर जो भी एड टेक्स्ट ऐड करना होता है वो ऐड करते हैं, डिफरेंट तरह के अदर ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं। नॉर्मल व्यू में आप हर तरह का काम यहाँ पे कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, नॉर्मल व्यू का सबसे मेन गुड पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स सॉर्टर व्यू भी होते हैं, आप अलग अलग अपनी स्लाइड्स को चेक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक द आउटलाइन ऑफ द स्लाइड टेक्स्ट, कि सिर्फ आप आउटलाइन अगर आपको स्टडी करना है वो स्टडी कर सकते हैं। प्लस यू हैव अ नोट पैन एट द बॉटम, स्क्रीन के बॉटम पे आपका नोट पैन आता है जहाँ पे आप अपनी स्लाइड्स के साथ साथ वहाँ पे अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपके स्लाइड के थंबनेल्स आते हैं जो कि आप अपनी स्लाइड के या अपने प्रेजेंटेशन का जो सीक्वेंस है उसे आप सेट कर सकते हैं। यहीं से आप स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और कोई भी स्लाइड, रिक्वायर्ड स्लाइड को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। टू ओपन दिस व्यू, सिलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन। इस टैब के लिए आपको क्या करना होता है, व्यू टैब पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल बटन को सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू आइकन ऑन द स्टेटस बार। या स्टेटस बार पे जो हमारे व्यूज़ बटन होते हैं उससे भी आप सिलेक्ट करके नॉर्मल व्यू को ओपन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ व्यू इज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू। इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स, इंसर्ट और डिलीट द स्लाइड्स, एड ट्रांजिशंस एंड सेट द टाइमिंग फॉर द स्लाइड शो। नाउ स्लाइड सॉर्टर व्यू, जितने भी आपकी स्लाइड्स आपने प्रेजेंटेशन में क्रिएट की होती है वो सारी स्लाइड्स जो होते हैं उनका एक मिनिएचर स्क्रीन पे शो होता है। यहाँ पे जाके आप स्लाइड्स में चेंज कर सकते हैं, इनके स्लाइड्स के ऑर्डर्स को चेंज करते हैं, किसी भी स्लाइड्स को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं या किसी भी स्लाइड को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इवन आप न्यू स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ही स्लाइड्स की टाइमिंग्स को सेट करा जाता है और यहाँ पे आप अपने पूरे प्रेजेंटेशन को एक बार में व्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन किस फ्लो में जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं कि सारी स्लाइड्स को आप एक बार में स्टडी कर सकते हैं और आपके प्रेजेंटेशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। नाउ सिलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन। स्लाइड सॉर्टर व्यू ओपन करने के लिए व्यू टैब पे क्लिक कीजिए और स्लाइड सॉर्टर बटन को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट जा कर के जो हमारे टास्क बार पे जो स्लाइड व्यूज बटन होते हैं डायरेक्ट उन पे भी क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप स्लाइड सॉर्टर व्यू को ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप इस व्यू को ओपन करेंगे आप देखेंगे कि आपके जितने भी स्लाइड्स थी वो सारी स्लाइड्स एक सीक्वेंस में आपकी स्क्रीन पे दिखाई देने लगती है और आप जिस स्लाइड को चाहे यहाँ से सिलेक्ट करके और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। रिमेनिंग व्यूज़ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।